हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। सवाल ये है कि ड्रॉप डाउन कितने तरीकों से बनाया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जनरल वे में। मैं एसक्यूएल व्यू की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल वे की बात कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेता हूं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 वर्जन है, आपके पास जो भी हो आप उसी को ले सकते हैं, ठीक है। 2007 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2019 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर व्यू पे चलते हैं और यहां से आ जाते हैं डिजाइन व्यू पर, क्योंकि सारी चीजें डिजाइन तो हमको यहीं पे करनी है, तो ये डिजाइन व्यू पर आ गए, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक टेबल बनाता हूं और वो टेबल किसकी है, स्टेट की टेबल है। तो यहां पे लिखता हूं मैं स्टेट टी, यानी स्टेट टेबल, ओके। अब ये स्टेट टी लिख दिया है हमने, यहां से ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहां पर आपको फील्ड नेम मिलेगा, यहां डेटा टाइप मिलेगा, यहां डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है जैसा कि आपको दिख ही रहा है। यहां पर आईडी आ रही है और ये है प्राइमरी की। प्राइमरी की पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, तो प्राइमरी की तो आपको समझ में आती होगी। यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो प्राइमरी की को मैं प्राइमरी की बना देता हूं, ठीक है। तो यहां पे स्टेट का नाम हमें एक ही बार एंटर करना होगा, प्राइमरी की बनाने का यही मतलब है। अब ये स्टेट हो गया है तो यहां पर हमें क्या करना है, सिंपली यहां पर हमें शॉर्ट टेक्स्ट रखना है। तो ये हमारा पहला टेबल हो गया जो कि स्टेट टी के नाम से है। अब यहां से ओके करेंगे, यानी क्लिक करेंगे व्यू पर और यहां से यस कर देंगे, तो ये देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अब यहां पर प्राइमरी की का अर्थ ये हो गया कि अब एक स्टेट का नाम सिर्फ एक ही बार एंटर करेंगे, दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर यूपी लिखा हमने और यहां पर लिखता हूं बिहार, ठीक है। दो स्टेट का नाम लिख दिया हमने, ठीक है। फिर बगलिये में है झारखंड, तो ये भी लिख दे रहे हैं झारखंड इस तरीके से, तो ये लिख दिया, तो ये तीन हो गया, ठीक है। स्टेट के नाम हमने लिख दिए हैं, देख सकते हैं ये तीन स्टेट का नाम हमने लिख दिया है। अब यहां पर नाम रिपीट नहीं कर सकते आप, अब फिर अगर चाहे तो यहां पे यूपी लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि प्राइमरी की बना दिया ना, तो यूपी नहीं लिख पाएंगे आप, ठीक है। एक नाम एक ही बार आएगा, तो इसीलिए हमने एक ही बार लिखा है। तो ये तीन ही स्टेट का नाम लिया है, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, यहां से सेव पे क्लिक कर देना, ये सेव हो जाएगा डेटा आपका। और अब इसको क्लोज कर दीजिए, यानी स्टेट टी नाम से एक टेबल हमने बना ली, ठीक है। अब यहां पर स्टेट टी नाम से एक टेबल बनी हुई है, समझ में आ रही है बात। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट पे जा सकते हैं और फिर यहां टेबल पे जाएंगे तो दूसरी टेबल भी हम बना पाएंगे। वन आ गया है, फिर वापस से चलते हैं व्यू पर और आ जाते हैं डिजाइन व्यू पर। यहां पर इसे मैं दे देता हूं सीटीटी, सीटीटी टी इज द कीवर्ड फॉर टेबल, तो ये सीटीटी दे दिया, यानी सीटी टेबल। तो यहां पर इस तरीके से आ गया। अब यहां पर हम बनाएंगे सीटी को प्राइमरी की, ठीक है। किसको प्राइमरी की बनाएंगे, सिटी को, यानी सिटी का नाम एक ही बार आएगा। जो भी सिटी का नाम हम टाइप करेंगे एक बार टाइप कर सकते हैं, एक बार के बाद हम सिटी का नाम दोबारा नहीं टाइप कर सकते, ओके। यहां से व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अब यहां सिटी का नाम लिख सकते हैं आप, रिलेटेड स्टेट से रिलेटेड सिटीज का नाम लिखेंगे। जैसे मैं देवरिया लिख देता हूं, यूपी से रिलेटेड है। लखनऊ लिख देता हूं, यूपी से रिलेटेड है। गोरखपुर लिख देता हूं, यूपी से रिलेटेड है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये लिख दिया गोरखपुर और फिर यहां पर नीचे ये, फिर यहां पर और भी चीजें लिख सकते हैं लाइक गोंडा वगैरह जो भी है, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन सिटीज तो और भी होंगी ना, क्योंकि हमारे पास स्टेट कितना है, तीन स्टेट है। तो कौन कौन सा स्टेट है, पहला स्टेट है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है यूपी। तो ये तीन स्टेट हो गए ना, तो तीन स्टेट है तो तीन सिटीज के भी नाम आएंगे। यहाँ पे खाली था तो इसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, तो यहां से डिलीट कर दिया हमने। तो ये तीन स्टेट है, तो यहाँ पे आप झारखंड के स्टेट्स के नाम लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, देता हूं मैं, ये लिख दिया हमने देवघर, ये हो गया। फिर दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे रांची, तो ये लिख दिया रांची। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं बोकारो, तो ये झारखंड के भी कुछ जो आपके सिटीज हैं उनका नाम हमने लिख दिया है, और ये कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या है, हमारे पास उससे भी रिलेटेड सिटीज के नाम, यानी बिहार से रिलेटेड सिटीज के नाम यहाँ पे देने होंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ पटना, पटना ये दे दिया। फिर नीचे आएंगे, फिर यहां लिख देते हैं सिवान, छपरा, ये सब लिख देंगे, ठीक है। तो ये छपरा लिख दिया इस तरीके से, तो ये हो गया। अब यहां से इसको सेव कर लीजिए, सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको क्लोज भी कर देते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो यानी कि दोनों हो गए, यहां पे देख सकते हैं ये स्टेट के नाम और ये सिटीज के नाम दोनों है, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन बनाने का कुछ इस तरीके का प्रोसीजर है। हमें यहाँ क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाकर के कहाँ जाना है, हमें सीधा सीधा आ जाना है टेबल पर। एक नई टेबल और बना लेते हैं, ठीक है।
तो ये टेबल वन के नाम से आया हुआ है, आप चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर पहले व्यू पे आते हैं और डिजाइन व्यू पे आते हैं, और यहां पर टेबल का नाम चेंज करता हूं, सिटी एंड स्टेट करता हूं, सिटी एंड स्टेट, कुछ इस तरीके से टेबल का नाम मैंने दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया एक और टेबल का नाम। अब यहां पर आ रहा है आईडी, ठीक है, तो यहां पे मैं कर देता हूं स्टेट आईडी या सिटी आईडी, कुछ भी कर सकते हैं, तो यहां पे आईडी ही लिखा रहने देता हूं, और यहां पे ऑटो नंबर डेटा टाइप है, इसी को मैं रहने देता हूं, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यहां पर आते हैं, और यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे आपको देना है स्टेट, क्या देना है स्टेट लिख दिया। अब आपको यहां पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो ड्रॉप डाउन के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जो पुराना टेबल था वहीं से हम फेच कराएंगे ड्रॉप डाउन। तो यहां पे लुकअप विजार्ड पे आइए, ठीक है, लुकअप विजार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है, ठीक है, यहां पे ओपन पे क्लिक करिएगा, ठीक है, तो ये नई विंडो ओपन हो गई। अब यहां पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, आई वांट द लुकअप फील्ड To get the values from another table or query, यही सवाल था ना कि ये क्यों यूज होता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, I want the lookup field to get the values from another table, मतलब कि दूसरे टेबल से वो वैल्यूज आनी चाहिए, तो यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट रखिए। अगर आप चाहते हैं टाइप करना लाइन वाइज तो आप टाइप भी कर सकते हैं, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, इस पे आप टिक कर सकते हैं। तो यहां पर हमें अभी इसी पे टिक रखना है और यहां नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रिलेटेड टेबल से रिलेटेड जो भी टेबल की डिटेल है वो पूरी दिखेगी, अगर आपने क्वेरी बनाई है तो क्वेरी भी दिखेगी। तो यहां पे स्टेट को ले लेता हूं मैं, तो ये स्टेट यहां से हमको पिक करना है, हमको वहां से नहीं पिक करना, वहां लिख के और फिर ड्रॉप डाउन नहीं बनाना ट्रेडिशनल वे में, यहां से पिक कर लेना है। तो ये पिक कर लिया हमने, और ये पिक करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके और यहां से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए और यहां पे यस कर दीजिए, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर चाहते हैं इसी टेबल में सिटी भी, तो यहां पे आपको सिंपली लिख देना है सिटी, ठीक है, जैसे लिखा था वैसे ही सिटी लिख दीजिए। और यहां पर आइएगा तो यहां पर आपको लुकअप विजार्ड पे जाना है, ठीक है, लुकअप विजार्ड पे आने के बाद ये पहला ही ऑप्शन आपको रखना है सेलेक्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन सेलेक्ट रखने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहां सिटी की डिटेल आएगी, तो ये देख सकते हैं सिटी वाली टेबल आपको दिख रही है, बस इसी को ले लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिर इसको ले लीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिर फिनिश कर दीजिए, यहां पर यस कर दीजिए, काम हो गया है आपका। अब हम चलते हैं व्यू पे क्लिक कर देते हैं, तो ये व्यू पे क्लिक किया हमारा कुछ इस तरीके से ये आया हुआ है। अब इसका फायदा क्या है, क्यों मैंने बनवाया इसको, ड्रॉप डाउन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी है, तो अब दिखेगी, यहां पे क्लिक कीजिए, यहां पे आपको ड्रॉप डाउन नजर आ रही है, स्टेट चूज कर लीजिए, बिहार चूज कर लिया, यहां पे सिटी दिया हुआ है, सिटी चूज कर लीजिए। अब बिहार की जो सिटी है वो कौन सी है, सिवान हो सकती है, तो यहां पे सिवान चूज कर लीजिए आप, ठीक है, यहां पर फिर बिहार चूज करते हैं। फिर यहां पर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर अदर सिटीज के भी नाम है, तो अभी बिहार का ही रखना है आपको, ठीक है। अब एक और चीज है इसमें कि हम जब बिहार स्टेट सेलेक्ट करें तो केवल और केवल बिहार के ही सिटीज के नाम है, तो वो एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अब मान लीजिए इस बार झारखंड सेलेक्ट करते हैं, तो आपको झारखंड के सिटीज के नाम ही सेलेक्ट करने हैं, लाइक बोकारो सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन बनाने का एक और वे है, जो दूसरे टेबल से फेच होगा डेटा, और इस तरीके से आप ये ड्रॉप डाउन बनाएंगे। अब मान लीजिए यूपी कर दिया मैंने यहां पे, तो आप देखेंगे कि यूपी के सिटीज के नाम आपको सेलेक्ट करने होंगे इसमें, तो लखनऊ कर लिया मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका भी दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ड्रॉप डाउन बनाना है, तो आप क्रिएट पे जाते हैं, डायरेक्ट टेबल पे क्लिक करते हैं, और टेबल पे क्लिक करने के बाद व्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब टेबल वन के ही नाम से इसको रहने देता हूं, यहां पे ये प्राइमरी की है। अब यहां पे आते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे स्टेट, दूसरा तरीका क्या है वो बता रहा हूं, स्टेट लिख दिया। अब स्टेट लिखने के बाद जैसे ही यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे दिया हुआ है लुकअप विजार्ड, तो लुकअप विजार्ड पे क्लिक कर दीजिए, वही दो ऑप्शन नजर आएंगे, अदर कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा टेबल हमारे पास है नहीं। अगर आपने ये तीनों टेबल नहीं बनाई होती, सिटी वाली, स्टेट वाली और सिटी एंड स्टेट वाली, तो आपको दूसरी टेबल तो दिखती नहीं, तब आपको क्या करना होता, तब आपको करना होता आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, फिर यहां पर आप देते स्टेट के नाम, लाइक मैं यहां पे कर देता हूं यूपी, ठीक है, फिर यहां लिख देता हूं एमपी, इस तरीके से आपको लिखना है, ये डबल यू हो गया है, इसको एक हटा देते हैं यहां से, तो ये हो गया, इस तरीके से आपको करना रहता, ठीक है। यहां पर आए तो यहां पर कर देते हैं राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इस तरीके से लिख देना है आपको, और यहां पे लिखने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे और यहां व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर भी ड्रॉप डाउन नजर आएगी, ये देखिए यहां पर जाएंगे तो ये ड्रॉप डाउन नजर आएगी, और फिर आप यहां पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये दोनों ही ड्रॉप डाउन बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप दूसरे टेबल से ड्रॉप डाउन फेच कराना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, तो दूसरे टेबल से भी कर सकते हैं, सेम टेबल में बनाना हो टाइप करके तो भी बना सकते हैं, दोनों बहुत आसान है। आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।